इंटरडिपेंडेंसी नेचर, हम प्रकृति में कैसे एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। टुडे आई विल एक्सप्लेन दिस चैप्टर। आवर नेचुरल एनवायरनमेंट हैज लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग, दे मेक अप द टू पार्ट ऑफ। हमारे जो नेचुरल एनवायरनमेंट है वो दो पार्ट से मिलकर बनी है, एक है बायोटिक कंपोनेंट्स और दूसरा है एबायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक कंपोनेंट्स में वो आते हैं जैसे लिविंग थिंग्स, जैसे पेड़, जानवर और छोटे छोटे सूक्ष्म जीव। इन द जर्म्स दैट कॉज डिजीज आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो छोटे छोटे से जिनसे हमें बीमारियां फैलती हैं उन जर्म्स को भी हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। लेकिन ये जर्म्स नहीं होते हैं। एबायोटिक कंपोनेंट्स में क्या क्या आते हैं? सॉइल, वाटर, एयर, ये सब। इंटरडिपेंडेंस, हम द कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट डिपेंड ऑन ईच अदर और दे आर इंटरडिपेंडेंट। पे प्रत्येक कोई ना कोई चीज हम लोग एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। जैसे एनिमल जो होते हैं वो प्लांट पर डिपेंड होते हैं, क्यों? क्योंकि उन्हें प्लांट से फूड मिलता है। प्लांट जो होते हैं वो मिट्टी से ग्रो करते हैं, इसलिए वो मिट्टी पर सॉइल पर निर्भर होते हैं। सॉइल डिपेंड्स, जो सॉइल होती है वो डेड प्लांट्स और एनिमल्स के फर्टिल से बनती है, तो वो उस पर निर्भर होते हैं। इसका कहने का मतलब है कि नेचर में कोई भी वस्तु या कोई भी चीज है वो एक दूसरे पर निर्भर रहती है। जंगलों को काटकर हम अपने बैलेंस को, हम अपने
स्टॉप किलिंग एनिमल्स, हम जो ये जानवरों को मारते हैं उन्हें उसको कम कर सकते हैं। बाय द वे अवर हमारी जो गवर्नमेंट है उन्होंने जानवरों को मारने पर बैन लगाया हुआ है। एनिमल जिस भी इंसान को जानवरों को मारते हुए देखा जाए उसे पनिश किया जाता है। वी आर सेट अप वाइल्ड लाइफ dirty।